मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। वापस से आप लोगों के पास हाजिर हो गई हूँ एक नया ताज़ा व्लॉग लेके। वेलकम यू ऑल टू बिल्टिस मैरी। आशा करती हूँ आप लोग को ये व्लॉग देख के बहुत मजा आएगा। एंड लेट्स स्टार्ट द डे विद एनर्जी एंड पॉजिटिविटी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हाँ, मैंने भगवान जी को लंच दे चुकी हूँ, अभी बैठ के लंच खा रहे हैं। कल के व्लॉग में आप लोगों को पता चल गया कि मैंने जुम्बा क्लासेस अटेंड किया। सर ने इतना ज़्यादा डांस कराया हमसे, विच इज़ अ गुड थिंग, कि मेरा सुबह को मेरा थाइज़ लेग्स इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तो कुछ भी अगर आप करते हैं, जैसे कि आफ्टर लॉन्ग टाइम यू हैव डन समथिंग हार्ड कोर एक्सरसाइज या फिर डांस, सो योर बॉडी टेंड्स टू पेन। अभी हो रहा है 1:00। एक ग्रुप में एक मैसेज आया कि कल जहाँ पर मैं रहती हूँ आसपास के जगह पर इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी देयर, तो प्लीज़ सेव इलेक्ट्रिसिटी और इन्वर्टर जितना कम हो सके आप लोग यूज़ करें। फिल द टाइम so that you will not have any water problem or water issue. Same thing I'm gonna do. कल मैं वॉशिंग मशीन नहीं चलाऊंगी, घर आके ही मैं मोटर चला दूंगी, सो दैट आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टुमारो। संडे तो वैसे ही रिलैक्सिंग डे है, हु वॉन्ट संडे टू गेट स्पॉइल्ड। ये बैंगलोर में पेट्रोल का प्राइस पता है क्या हो गया? 107 पॉइंट सम पैसे, तो इट्स टू मच। वे बैक जब वरुण रिफिल करता था कार का पेट्रोल, तो आई स्टार्ट आस्किंग द लीटर की क्या है पेट्रोल का, तो ही यूज्ड टू से 73 रुपीस। आई डोंट नो वे बैक, कितने साल पुराना बात कर रही हूँ मैं। ज़रा देखिए, रणवीर पढ़ाई कर रहा है अभी बैठ के। व्हाट आर यू स्टडिंग? नो, रणवीर इज स्टडिंग मैथ्स। सुबह को उठ के रणवीर को मैंने खाना वगैरह दे दिया, वरुण ने भी ब्रेकफास्ट किया, मैंने भी ब्रेकफास्ट किया, अभी वेट कर रही हूँ वरुण व्हेन ही विल गेट अप फॉर। कब जाना है? आज तो बैंगलोर का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। गोपाल जी, पुचकी सोना मेरे से काफ़ी नाराज़ है, बता दो क्यों। पुचकी सोना को इस कब से मैं बादामी दे रही हूँ खाने में, पुचकी सोना बोल रहा है मुझे कुछ अच्छे से खाना दो, मुझे नमकीन दो। तो मैं पुचकी सोना को बोल रही हूँ कि मुझे जब टाइम मिलेगा ना आपके लिए डेफिनेटली बनाऊंगी। मैं कब से सोच रही हूँ कि निंकी आई विल मेक फॉर हिम, मैं सब कुछ लेके आई, तेल वगैरह सब कुछ लेके आई हूँ, रखा हुआ है अलग सा, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा बनाने के लिए। एनी वे, पुचकी सोना विल अंडरस्टैंड। देखिए थंडरिंग हो रहा है, आप लोग देखना चाहते हैं टेरिस पे जाके कैसा लग रहा है? चलिए दिखाती हूँ, आओ आओ। ये मेरा ब्लैंकेट कहाँ पर रखा हुआ है, मैं सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रही हूँ। बारिश हो रही है, क्लाइमेट देखिए, ब्यूटीफुल क्लाइमेट। जरा देखिए, इट्स ड्रिजलिंग ड्रिजलिंग। वरुण रणवीर को पढ़ा रहा है। पुचकी सोना का लंच खाना हो चुका है, वो बोल रहा है टेक इट आउट, टेक माय लंच आउट। आर यू आर यू? आई एम टेकिंग इट आउट। सो रणवीर इज स्टिल स्टडिंग। मैं रणवीर के लिए जल्दी जल्दी दाल भात और खिचड़ी आई विल मेक, ही इज फीलिंग हंग्री। तो फिर मैं अभी रणवीर का चावल वगैरह चढ़ा दिया गैस पे, आई एम जस्ट वेटिंग कि पक जाए और मैं रणवीर को खाना खिला के विल स्टार्ट अप। सब्सक्राइबर का नाम लेने का वापस से टाइम आ चुका है, आज उनका नाम लेना चाहती हूँ जिनको मैं रिसेंटली ही मैं जान पहचान हुआ है उनके साथ। जैसे कि मैं श्री कृष्णा जी के काफ़ी सारे वीडियोस देखती हूँ, लड्डू जी को कैसे पूजा करना होता है, कैसे उनके कपड़े स्टिच करना होता है, तो फिर ना ऐसा आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम ऑफ द वीडियोज़ ऑफ लड्डू जी, तो दैट फीड ओनली आई सॉ हर वीडियो, उनका वीडियो उस फीड में आया था, तो मैंने जस्ट क्लिक किया था और मुझे अच्छा लगा वो वीडियो देख के, उन द वे शी डज पूजा एंड ऑल। पूजा वाला चैनल मैंने सब्सक्राइब करके रखा है और एक ब्लॉग चैनल भी है, तो मुझे पता नहीं था वो उनका ब्लॉग चैनल भी है, काफ़ी लेट से मुझे पता चला। आई सॉ हर ब्लॉग चैनल, शी इज़ सो हार्ड वर्किंग, शी मैनेजेस एवरीथिंग ऑन हर ओन, शी इज़ अ रियली अ गुड होम मेकर
एक परफेक्ट होममेकर है, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है मुझे तो। खास करके मुझे बहुत भाता है उनका ब्लॉग, तो मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। मिली दीदी थैंक यू सो मच, हर एक वीडियो ते यू कमेंट मी, थैंक यू मिली दीदी। अमी तुम्हारी दीदी को डाकछी, मैं ऐसे वैसे सब्सक्राइब नहीं कर लेती हूँ, मुझे आपका चैनल जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है तो मैं जाके देखती हूँ, कुछ सीखने के लिए मिलता है। ऐसे चैनल में आप जाओ जहाँ पे देख के कुछ आप सीखते हैं, कुछ आप गेन करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। हर एक काम करने के बाद मैं रात को आपका चैनल देखती हूँ बैठ के, अगर मिस भी कर लिया तो भी मैं रात को सोते सोते अच्छा मिलीज डेली ब्लॉग आई हैव टू वॉच दैट चैनल। तो कीप डूइंग योर ग्रेट वर्क, नाम मैं मेंशन कर देती हूँ, डेली ब्लॉग विद मिली एक चैनल है और दूसरा चैनल है मिलीज पूजा मंदिर। माई सब्सक्राइबर प्लीज़ गो एंड विजिट आर चैनल, मुझे सीरियसली पता है कि आप लोग कुछ सीखेंगे उनके चैनल से, जिनको पूजा में दिलचस्पी है, जिनको होम मैनेजमेंट में दिलचस्पी है, प्लीज़ जाके विजिट करिए। शी इज़ अ रियली अ गुड यूट्यूबर। उनके चैनल के सामने मेरा चैनल कुछ भी नहीं है, काफ़ी छोटा है, बट स्टिल प्लीज़ पीपल गो एंड विजिट आर चैनल एंड शो योर लव एंड सपोर्ट। रणवीर का राइस वगैरह बन चुका है, अभी रणवीर को बुलाऊंगी उसको खाना खिला के, लेट्स सी कब हम निकलेंगे। मेरा गाना सुना जा रहा है, क्या बात है वरुण? ही इज वॉचिंग माई शॉट। क्या कर रहे हो वरुण, तुम पागल हो गए? वरुण मेरा मजाक उड़ा रहा है कि मैं ऐसे बात करती हूँ, ऐसे हिल हिल के और जैसे मैं बात करती हूँ अभी मैं वो तो चेंज नहीं कर सकती है ना, मैं वो उसे चेंज नहीं। अभी वरुण बोलता है मुझे ऐसे बात कर, हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ आप लोग सारे अच्छे हैं। ये देखो आप लोग सारे अच्छे हैं, ये देखो ये नहीं ब्लॉग ओके, अब इसमें जितना हिलना है इसमें यू हैव अ फ्रीडम टू, लेकिन सुबह को मैंने ऑलरेडी दे दिया। मैं एक्चुअली ना ज़्यादा करके चाय बनाती हूँ कि कभी भी मन करे ना गर्म करके पी लेती हूँ। पियोगे? पी लो प्यार है इसमें, क्यों जहर है क्या? ज़्यादा प्यार भी इतना जहर है कि प्यार है तेरा सिप। आप लोग प्लीज कमेंट डाउन करिए कि आप लोगों को 90s के गाने किसको पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वरुण को बिल्कुल पसंद नहीं है। वरुण बोलता है कि मेरा जो पसंद है ना वो पान वाला पसंद है। तो आज सैटरडे, क्या डेट है जरानी? 10 तारीख है ना, 10 तारीख सैटरडे पक्का? 10 है या 9 है? तो रानी किधर चलें? चाय पहले पेट पूजा तो करा दो। लंच नहीं किया ना? लंच नहीं किया, पेट पूजा कराएंगे। तुम क्या कर रही हो अभी? मैं नहीं खा रही, रणवीर को खिला रही हूं आलू भात। बंगालीज को पता है शिद्दो भात आलू। ये हमारे सारे बंगाली व्यूअर्स नहीं है, हिंदी व्यूअर्स भी हैं, तो इट्स अ पैन इंडिया व्यूअर्स, तो इट्स नॉट अबाउट के हिंदी बंगाली सभी को पता है, किसी को कुछ नहीं पता। तुम बताओ तुम क्या खा रही हो? दैट्स इट। मैं रणवीर को खिला रही हूं आलू बॉइल्ड राइस एंड घी। तो वो हम बंगाली में बोलते हैं शिद्दो भात। डोसा खाने का दिल कर रहा है? कर्नाटका का फूड वी लव, वी लव साउथ इंडियन फूड स्पेशली डोसा वड़ा। यस टेल मी। अच्छा ओके, विल ईट डोसा टुडे। इट्स अ काइंड ऑफ क्यूजीन फॉर अस, फॉर साउथ इंडियन पीपल इट्स लाइक एवरीडे फूड एट होम, बट इफ वी हैव इट आउटसाइड इट्स लाइक ऑफ द डे, ऑफ द रूटीन फूड। तो और पता है हमारे नेबर में वो शी वाज टेलिंग दैट शी विल मेक मी लर्न हाउ टू मेक डोसा बेटर, तो मुझे वो सामान लेके आना है, उड़द दाल, चना दाल एंड डोसा राइस। तो शी विल से 3 बार आके गई है मेरे घर पे कि रानी लेके आए सामान, मैं दिखाऊं, मैं लेके ही नहीं आई, इतना बिजी। सो स्वीट ऑफ हर, सो स्वीट ऑफ हर, थैंक यू सो मच। खाना खाने के बाद मट कप्स जाएंगे, मट कप्स चाय अमेजिंग, इट्स ऑन अनेकल रोड। अनेकल रोड पे क्या, अनेकल में ही है, चाय देते हैं कुल्लड़ में, तंदूरी चाय। तो आजकल तो ट्रेंड है तंदूरी चाय का, मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी ऑलरेडी नोइंग इट और हैव ऑलरेडी टेस्टेड इट। तो एक ये नया ट्रेंड चला हुआ तंदूरी चाय का, चाय बहुत अमेजिंग बनती है, मज़ा आ जाता पी के, तसल्ली हो जाती है। इसे याद आया, पहले मैं शेल पेट्रोल पम्प बहुत जाता था चाय पीने, कि शेल पेट्रोल पम्प जाता था चाय पीने, जब थोड़ा अनहेल्दी खाना शुरू कर दिया था मी एंड माई फ्रेंड, हम रात को चाय पीने जाते थे, साथ में एग रोल खाते थे। तो एग रोल की उन्होंने ब्रेड चेंज कर दी है, द ब्रेड विच दे यूज नाउ इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट एट ऑल फिलिंग। तो हम उनके मुंह पे कह के सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू कम अगेन बिकॉज योर ब्रेड इज़ नॉट नो मोर फिलिंग, इस करके
अजय और मैंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, वी आर नॉट गोइंग टू गो टू हैव टी ऑल्सो ओवर देयर बिकॉज दे बैक स्टैब्ड अस. उन्होंने रोटी चेंज कर दी तो वी आर नॉट लाइकिंग देयर एग रोल. तो रात को व्हेनेवर वी वर हंग्री, आवर फैमिलीज आर स्लीपिंग, हमें खाने के लिए कुछ घर पे है नहीं है, तो एक दूसरे को रिंग करते थे, मैसेज करते थे. हे, कल भी तो गए रात को, कल भी तो अच्छा 12 एक बजे, 12 बजे. हाँ, तो उस टाइम तो लोग जगराता थोड़ी ना कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं घर पे. तो जब दुर्गा पूजा आएगा तो उसके लिए दुर्गा पूजा स्पेशल व्लॉग बाय माय बंगाली वाइफ. दिवाली का स्पेशल व्लॉग होगा वरुण की तरफ से. आई थिंक बंगालीज आल्सो सेलिब्रेट दिवाली, राइट? हां, वी सेलिब्रेट काली पूजा. तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं बाहर, रूम को समेट के फिर हम चलते हैं. स्टिल इट इज रेनिंग, आवर कार हैज गॉट अ रूफ सो रेन कांट कम. ऑल द कार्स हैव रूफ, राइट? सब कुछ समेट के अभी हो रहा है टाइम 3:16. देखिए अभी निकल गए हैं हम, टाइम हो गया ऑस्टिन 3:16. ऑस्टिन 3:16, व्हाट इज दैट वर्ड? जिनको पता हो कमेंट में लिख के बताओ. आई डोंट नो ऑस्टिन 3:16, आई डोंट नो, प्लीज कमेंट डाउन बिलो अगर किसी को पता है तो. जैसे आप लोगों को मैंने थोड़े टाइम पहले बताया, मेनी ऑफ द प्लेसेस इन बैंगलोर विल बी रनिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और मैं किसी किसी कोई कोई पार्ट्स में देयर विल बी पावर शॉर्टेज होगा. तो इसी मैटर में मैं बात करना चाहती हूँ कि मेनी ऑफ यू ऑल मस्ट बी अवेयर दैट देयर इज अ ह्यूज कोल शॉर्टेज इन इंडिया, क्योंकि 135 ऑफ द कोल फायर पावर प्लांट्स आर रनिंग ऑन फ्यूम्स. तो आप सोच सकते हैं कि 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट होता है कोल से. तो कितना ज़्यादा कोल क्राइसिस है इंडिया में. क्राइसिस वाला बात है, इट शुड गेट ओवर सून. Crisis is not only in India. The crisis being faced by many countries. It's a global crisis. China being the production house, or most of the production happens in China. तो वहाँ की production line रुकी हुई है. और कितनी countries they are dependent on their end products or products from China. जब production line ही रुकी हुई है, तो just imagine how it will hit the economy. Very badly it will hit. So anyway, please आप लोग सोच समझ के electricity use करिए. मैं तो अभी please मुझे याद दिला देना वरुण कि घर जाके मुझे motor चलाना है और जितना हो सके save करूँगी पा. आप लोग भी वही करिए जो ये जोन में गिरते हैं. कल न्यूज़ में आप लोग देख लीजिए कि कौन सा जोन में कल electricity नहीं रहेगा. मेरे जोन में तो नहीं रहेगा, आई नो दैट वेरी वेल. तो प्लीज़ सोच समझ के यूज़ करिए. अभी हम जा रहे हैं अनेकल के साइट. अनेकल में शायद से वेयर यू विल बी टेकिंग अस वरुण? तुम्हारे लिए सरप्राइज है, एक नई जगह लेके जा रहा हूँ. ओह, आई लाइक सरप्राइजेस. कैसे बनाता है डोसे? ये घी में बनाते? घी में? हाँ, घी में, घी में. अच्छा, ये कितना 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 पुराना रेस्टोरेंट? 75 और डोसा के अलावा क्या मिलता है? डोसा डोसा के अलावा क्या मिलता है?
क्या भाई दोबारा प्लीज दोबारा बोलिए क्या क्या इडली वड़ा इडली वड़ा पुड़ी वगैरह चित्राना दोसे चौचो भात रवा इडली सत्तू डोसा सादा डोसा पूरी चपाती। अभी अभी क्या मिलेगा खाने के लिए? अभी क्या मिलेगा खाने के लिए? खाने के लिए स्वीट जहांगीर जिलेबी लाडू बादुशाह बादाम पूरी मैसूर पाक जिलेबी ओब्बट्टू मीन्स होळिगे स्पेशल मसाला यूट्यूब ओपन करवाया यूट्यूब में आता मैं होटल अच्छा काम करता हूँ खाना कैसा था? बहुत अच्छा था स्पेशली मसाला डोसा वाज अमेजिंग अच्छा वेरी नाइस एज इट इज 75 इयर्स ओल्ड होटल तो आई वाज गेटिंग दैट ऑथेंटिक टेस्ट। एक दो रुपया है तुम्हारे पास? क्यों क्या करोगे? क्यों करना है? दो रुपए नहीं है तुम्हारे पास? क्लोज द डोर बाबा। चॉकलेट रणवीर को दो चॉकलेट मिले हैं होटल के ओनर से। प्लीज क्लोज द डोर। सो द डोसा वाज वेरी वेरी गुड वेरी टेस्टी। जैसे कि राघवेंद्र होटल ये 75 इयर्स ओल्ड पुराना होटल है। द मसाला डोसा वाज रियली गुड। आई वाज रियली गेटिंग दैट घी का स्मेल। घी का स्मेल आ रहा था और वो बहुत ऑथेंटिसिटी था उस डोसे में। लाइक एवरीबडी देवर वेयरिंग धोती एंड लाइक प्रॉपर। ये पता है मैं किसके साथ कंपेयर कर सकती हूँ इस होटल को? MTR के साथ। MTR आप लोगों को पता होगा कहाँ पे है, लालबाग के सामने। सो दीज आर ऑल लाइक यू नो वेरी ओल्ड होटल्स, साउथ इंडियन होटल्स। इवन आई वॉन्ट टू गिव 10 पॉइंट्स टू राघवेंद्र होटल बिकॉज देखिए अंकल कितने बड़े टर्बन लगा के, मे बी ही इज़ फ्रॉम राजस्थान। तो फिर आई वॉन्ट टू गिव दिस होटल 10 पॉइंट्स क्योंकि डोसा बहुत ही अमेजिंग था, मसाला डोसा। ये देखिए अनेकल का बस स्टॉप। इस साइड हम पहली बार आ रहे हैं ना रानी? Which sandwich you want? Which it has lettuce and tomato and it has also sauce with it. Lettuce.
थैंक यू भैया। कैसा लग रहा है वरुण? अमेजिंग कह रहा नहीं। हाँ जरा बता दो कहाँ पे आए हैं हम? ऊपर लिखा हो ना मड कप। अमेजिंग कह Have it. One day I had it. It was not good for me. I didn't like it. Yeah.